नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। ग्वालियर महाआर्यम सिंधिया पहुंचे जीवाजी यूनिवर्सिटी, जहां पर गरबा डांडिया उत्सव में शामिल हुए। वहीं जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी के साथ माता रानी की आरती की एवं महाआर्यम सिंधिया के साथ युवा नेता मनोहर साहू भी आरती में शामिल हुए। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। इस क्रम में वैष्णो देवी से लाई गई 501 फीट की विशाल चुनरी यात्रा यातायात थाना चौराहे से प्रारंभ होकर बड़ी नगर शक्तिपीठ माता मंदिर पहुंची। इस अवसर पर संपूर्ण यात्रा के दौरान मुंबई की प्रसिद्ध टीवी एक्ट्रेस नेहा तिवारी उपस्थित रहीं एवं रैली के दौरान चलित झांकी के साथ पंचमुखी जागरण म्यूजिकल ग्रुप द्वारा देवी जागरण की प्रस्तुति दी गई। चुनरी यात्रा में मास स्पोर्ट्स एवं डिजाइनर ग्रुप में मात्र शक्तियों द्वारा धमाल की प्रस्तुति खास रही। 8 घोड़ों एवं एक विशाल रथ के साथ 9 देवियों की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। संपूर्ण यात्रा में पुष्प वर्षा की गई। यात्रा के दौरान आगे पीछे डीजे साउंड, शैला नृत्य, एडिशनल डांस द्वारा कलाकार प्रदर्शन, अखाड़े की प्रस्तुति दी गई। चुनरी यात्रा का भार माता बहनों द्वारा संभाला गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला संयोजक राजा आरसे, जिला गोरक्षा प्रमुख अजय पवार सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्याओं में माता बहनें तथा समस्त नगरवासी उपस्थित रहे। अमित राय, अमित सिंह राजपूत, राजपूत राजा, सरकार व पुलिस प्रशासन के संपूर्ण यात्रा का मार्गदर्शन किया व पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया। छिंदवाड़ा से नकुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 9 दिन बड़े धूमधाम से माता रानी की पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। दरअसल पिछोर कस्बे के अंदर जगह जगह माता की झांकी लगाई गई। 9 दिन बड़े धूमधाम से माता रानी की पूजा अर्चना की गई। वहीं भक्तों द्वारा झांकियां देखकर मैया की मनोकामनाएं मांगी, जिसके कारण कस्बे के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। इस क्रम में डीजे बैंड लगाकर जुलूस निकाला गया। कालिंद्री सरोवर पर बने कुंड में विधि विधान से माता का विसर्जन भी किया गया। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। दमोह में नवमी के दिन रावण दहन की परंपरा करीब 50 साल से चली आ रही है। हर बार दशहरे के एक दिन पहले नवमी के दिन रावण दहन की परंपरा है। इस बार भी नवमी पर मंगलवार को तहसील ग्राउंड में करीब 45 फीट के रावण का दहन किया गया। परंपरा के अनुसार पुरानी गल्ला मंडी से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं हनुमान जी के साथ वानर सेना तहसील ग्राउंड पहुंची, जहां पर विशाल रावण दहन के पूर्ण रूप में रावण युद्ध आयोजित किया गया। संजीव चित्रण को दर्शाता राम रावण युद्ध लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। रावण दहन के साथ हर बार की तरह इस बार भी करीब एक घंटे तक आसमानी आतिशबाजी की गई, जिसका नजारा देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाते देखा गया। लोगों ने रंगीन आतिशबाजी का भी भरपूर आनंद उठाया। बच्चों ने भरपूर मनोरंजन किया। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के तलेन में माता रानी की घर घर में 9 दिन तक आराधना ज्योत जलाकर घट स्थापना की गई थी। भक्तों द्वारा श्रद्धा विश्वास के साथ उपवास रखे गए थे। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर घर घर में परंपरा अनुसार कुल देवी की पूजा की गई। नगर के प्रमुख स्थान इकलेरा रोड, हनुमान मंदिर, सारंगपुर नाका, चौधरीपुरा पर सामूहिक माता रानी की स्थापना की गई। बालिकाओं द्वारा गरबा खेला गया। नवरात्रि में मनाई गई माता की झांकियों का सोमवार को नगर में धूमधाम से ढोल धमाकों के साथ जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उगल नदी पर माता का पूजन अर्चन कर विसर्जन किया गया। नवरात्रि में नगर के मंदिरों में मध्यरात्रि तक दर्शन कर भक्तों की भीड़ देखी गई। पूरा नगर 9 दिनों तक माँ की भक्ति विलीन रहा। नवरात्रि के दिन माता की बड़ी झांकियाँ निकाली गईं। 9 दिनों तक बोए गए ज्वारे उगल नदी पर धोए गए। राजगढ़ से मुकेश यादव की रिपोर्ट। नवरात्रि में सभी जगह महारानी की स्थापना से माहौल धर्ममय है। वहीं नरसिंहपुर जिले के छोटे से गांव निवारी पान में माता रानी की स्थापना अलग ही अंदाज में की गई। ग्रामवासियों ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ यहां शिव शक्ति के अद्भुत स्वरूपों की स्थापना ग्राम स्तर पर की। लगभग 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष के नीचे विराजमान महादेव की सतत परिक्रमा करते हुए माता पार्वती के 9 दिव्य स्वरूपों की स्थापना की। इस आयोजन में खास बात यह रही, इस छोटे से गांव के ही 3 लोगों ने सुंदर सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण निःशुल्क किया। तीनों कलाकारों में केशव प्रसाद, नर्मदा प्रसाद और रहीम खान भी भक्तिभाव से धार्मिक आयोजन में मूर्ति निर्माण से लेकर अन्य आयोजक में बढ़ चढ़ कर शामिल रहे। इस पूरे आयोजन में विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजे शिव शंकर की परिक्रमा करने के लिए चलित ट्रेन का निर्माण किया गया था।
जो गांव के ही युवा अरविंद जारोलिया ने पुराने मोटरसाइकिल के इंजन और अन्य अनुपयोगी सामग्री से बनाई थी। इस आयोजन के चर्चे जो दूर दूर तक के इलाकों में देखे गए, हजारों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे। इस आयोजन में ग्राम के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और व्यवस्थाएं संभाली। नरसिंहपुर से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। हमारे गांव में सब ग्रामवासियों ने सब मिलकर एक विचार किया कि कुछ नया किया जाए, तो हमारे गांव के बच्चों ने सबने सलाह की कि नौ शंकर जी की परिक्रमा करने के लिए नौ देवियों की स्थापना की जाए। तो उसमें हमारे ही गाँव के लड़के मूर्तिकार, हमारे ही गाँव के जो रेल पत्थर बनाया गया वो भी हमारे गांव के सब लड़कों ने मिलकर किसी बाहर के व्यक्ति का सहयोग नहीं लिया और पूरा जो कार्यक्रम सब गांव में मिलकर कर रहे हैं। करीब 40 साल हो गए हमको और 40 साल से हम ये मूर्ति बनाते हैं और निःशुल्क बनाते हैं, कोई धंधे के हिसाब से नहीं बनाते, ना ही कोई पैसा ना नक्शा और कुछ नहीं। हमारे गुरु थे श्री जानसनी जी के, उन्होंने हमको ये शिक्षा दी है कि इसका कभी धंधा नहीं करना, सिर्फ सेवा करना। सतना जिले के रामपुर बाघेलान अंतर्गत आने वाले सज्जनपुर कस्बे में व्यापारी प्रकोष्ठ ने भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा बाजार से राम वन चमन चौक, मछली बाजार से होते हुए मुख्य बाजार में समाप्त हुई। वैश्य समाज के महामंत्री पुष्पेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शोभा यात्रा निकाले जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में धार्मिक भावनाएं जागृत करना है। इस शोभा यात्रा में सतना जिला पंचायत के सदस्य अभिषेक सिंह, सज्जनपुर सरपंच कल्पना तिवारी शोभा यात्रा में पूरे समय उपस्थित रहे। शोभा यात्रा पूरे बाजार क्षेत्र में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य, हजारों कार्यकर्ता व आसपास के ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रामपुर बघेलान से सतीश शुक्ला की रिपोर्ट। इस देश में शिक्षा और भोजन की आवश्यकता किसे है, आप कहेंगे सभी को। सभी को उनके हक की शिक्षा और भोजन मिलना चाहिए। शिक्षा को तो हमारे संविधान ने नागरिकों का मूल अधिकार बताया है, वही संविधान जिसकी दुहाई अक्सर आपने हमारे नेताओं के मुँह से सुनी होगी। पर जब आपको मिलने वाले मौलिक अधिकार ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आप भोजन की बात भी करना गुनाह सा लगता है। सरकार अपनी पीठ थपथपाकर कहती है कि उसके शासन में सबको उचित शिक्षा और भोजन यानी मिड डे मील मिल रहा है, जो कि इस देश के सभी सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। शिवपुरी जिले के करेरा विकास खंड के कई सरकारी स्कूलों में सही ढंग से मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील मांगने वाले समूह मनमानी तथा अपनी जेब भरने में लगे हैं। हालात ये हैं कि बच्चों के सुनने वाला भी कोई नहीं है। मामला करेरा विकास खंड के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ का है, जहाँ बच्चों को मीनू के अनुसार मिड डे मील नहीं दिया जा रहा। जब शिक्षक इसकी शिकायत अपने अधिकारियों से करते हैं तो वो भी इसे अनसुना कर देते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने हमें बताया कि उनको कभी समूह की ओर से खीर और हलवे का वितरण नहीं किया गया, जबकि यह मिड डे मील के मेनू में शामिल है और बाकायदा इसके लिए दिन भी निर्धारित है। बच्चों ने हमें बताया कि उनके खाने में आज तक केवल पतली दाल और कच्ची रोटियां ही दी गई हैं। जिम्मेदार अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं और समूह अपनी जेब भरने में लगा है। शिवपुरी से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सब तहसील मड़वास को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव SR मोहंती को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रकरण की सुनवाई मझोली में करते हैं, जिस कारण स्थानीय जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि सप्ताह में दो दिन मझोली की लिंक कोर्ट मड़वास में संचालित की जाए। यह सभी जानकारी जिला कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी। सीधी से BP सिंह की रिपोर्ट। बारिश के चलते एक के बाद एक कई तरह की घटनाएं हुई, लेकिन बटियागढ़ थाना क्षेत्र में मलबे में दबने से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव के चारों ओर शोक की लहर फैल गई। जिले के बटियागढ़ थाना के अंतर्गत टपरिया गांव के समीप कच्चे मकान का छपरा गिरने से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका का पति भी उसी कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे सामान्य चोटें आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि खेत पर बने कच्चे मकान में 58 वर्षीय कल्लोबाई सो रही थी। रात को अचानक मकान का छपरा गिरने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना के कुछ देर पहले ही माता के दीवाने से भजन कीर्तन कर वृद्धि खेत पर लौटी थी। अचानक यह हादसा हो गया और वृद्धा की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पूरनखेड़ी के पास दो ट्रकों के बीच एक ऑटो दब गया,
जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति उपचार के दौरान चल बसा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलारस के देहरदा सड़क जाता हुआ ऑटो मोहराई रोड पर सवारियां उतारने के लिए जैसे ही रुका, पीछे से आ रहे ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो एवं उसमें बैठी सवारियों को घसीटता हुआ ट्रक आगे खड़ा ट्रक में जा घुसा। इसमें ऑटो दोनों बड़े वाहनों के बीच फंस गया, फलस्वरूप ऑटो में बैठी 5 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में ऑटो से उतर रही 3 सवारियां एवं ट्रक चालक घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय उपचार हेतु रेफर किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 घायलों का उपचार जारी है। दुर्घटना में टैक्सी चालक चंपालाल जाटव निवासी ग्राम उकावाल, सेवानिवृत्त शिक्षक हरिविलास गोयल, मुकेश गोयल निवासी लुकवासा, अरविंद्र पुत्र राजेश धाकड़ निवासी ग्राम रांची, माखन रघुवंशी निवासी ग्राम रिजौदा एवं एक अन्य ने दम तोड़ दिया। घटना स्थल पर SDM आशीष तिवारी, SDOP अमरनाथ वर्मा, थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान, लुकवासा चौकी प्रभारी रामेश्वर शर्मा सहित पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर फंसे हुए लोगों को क्रेन की सहायता से निकलवाया एवं घायलों को उपचार हेतु एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजा गया। बैराड़ से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। नवरात्र के समय शहर में जगह जगह माता को प्रसन्न करने के लिए गरबा और डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। शहर के चारों ओर गरबे की धूम है। ग्रामीण कस्बों तथा अंचलों में जवारों बोकर काली के नृत्य की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। लोग भी इसको देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। सतना से संवाददाता रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के हर परिवार के सिर पर 2022 तक छत देने के सपने को उनके ही अधिकारी पूरा होने नहीं दे रहे हैं। मामला सतना जिले के उचहरा की ग्राम पंचायत सखोहा का है, जहां बरसात में भी कई परिवार पन्नी लगाकर रहने को मजबूर हैं। इन परिवारों को आवास योजना का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों को आवास योजना का लाभ मिला भी है, वह भी आधा या कहे ना के बराबर। किसी मकान की केवल नींव खुदी है तो किसी की केवल दीवार खड़ी हो पाई है। यहाँ पर हालात यह हैं कि सरकारी योजना केवल मजाक बनकर रह गई है। सतना से संवाददाता रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। हम ठेका दायन जब निकलो तो पहले निकलो, अब पैसे नहीं निकले साहब। अच्छा, आज तक मजबूरी नहीं मिली आज, इसलिए ये घर आपके अधूरे पड़े हुए हैं। हाँ, अधूरे पड़े हैं साहब। हाँ, अब हमारे तो पन्नी घर से आए हैं, हर साल के पन्नी से आई थे, हमारी जिंदगी बीत गए। इनके सरपंच की ट्री हमारे नहीं सुनाता ही, तो हम कहाँ जाए। हमें सरकार से कुछ नहीं मिल रहा। हम पन्नी से आके रही थे मड़ैया में, मड़ैया बना के मोटर किलाने नाम है, कोई देखते हैं तो नाम नहीं तुम्हारा, कुछ हमें नहीं लाभ मिली सरकार से। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।